तो ट्रांसफार्मर की शीट नंबर 54, इसके डाउट्स लेते हैं पहले। द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स। प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर का मतलब क्या गिवन है? N1 कितना? 200 टर्न्स है। एंड सेकेंडरी हैज 1000 टर्न्स, तो N2 की वैल्यू कितनी है? 1000। इफ पावर आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी, पावर आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी पावर का मतलब ES यानी कि E2 कितना गिवन है? 1000 वोल्ट। और आउटपुट पावर दे रहा है आपको कितनी? 9 किलोवाट। ये लो, तो ये आपको पावर की वैल्यू दे रहा है। कैलकुलेट प्राइमरी वोल्टेज, तो मुझे क्या निकालना है? E1 निकालना है। तो एक रूल तो बड़ा क्लियर है, ए पार्ट में E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। क्वेश्चन में N2 पता है, N1 पता है, E2 पता है, यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा? E1 फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, दी हीट लॉस इन दी प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी का मतलब N1, तो इसकी क्या निकालनी है? हीट लॉस। हीट लॉस क्या होगी? I1 square R। तो इसकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है प्राइमरी की, R1 की वैल्यू गिवन है, मुझे क्या निकालना है इसमें? I1। अगर I1 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है यहां तक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की 90% है। तो एक काम करते हैं, पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है, इनटू 100। तो ये क्या आ गई आपके पास? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 90% है इज इक्वल टू आउटपुट पावर। जो आउटपुट पावर है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास कौन सी पावर आ जाएगी? इनपुट पावर आ जाएगी। इनपुट पावर होती क्या है? I1 × E1। E1 आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, E1 को यहां पुट करके क्या आ जाएगा? I1। I1 को पुट करके यहां पर क्या आ जाएगा? I1 square R। आंसर, कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसकी वैल्यू आ गई, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन, इसको करने के बजाय जरा ये क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का। एक ही बात है, वैल्यू चेंज है, ज्यादा नहीं है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, दिस स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। एक स्मॉल टाउन है, ये लोग कहते हैं कि हमें हमारे जो अप्लायंसेज हैं, हमारे यहाँ जो पावर चाहिए, वो डिपार्टमेंट को कहते हैं 800 किलोवाट चाहिए। तो इनकी डिमांड है 800 किलोवाट की, 800 × 10³ की, ठीक है यहाँ तक। और इनकी जो वोल्टेज है कितनी चाहिए? 220 वोल्ट चाहिए। कहते हमारे अप्लायंसेज 220 वोल्ट पे चाहिए हमें, तो 220 वोल्ट पे वोल्टेज है, राइट, क्लियर है। अब ये जो टाउन है ये 15 किलोमीटर दूर है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, जहाँ बिजली बनती है उससे 15 किलोमीटर दूर ये पावर प्लांट है, एंड जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। तो यहाँ पर 440 वोल्ट पे बिजली बन रही है, और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट है 220 वोल्ट की। द रेजिस्टेंस ऑफ टू लाइन वायर कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। टू वायर लाइन का मतलब दो तारें ज्वाइंड हैं इस पावर प्लांट से लेके इस टाउन तक, और ये जो एक तार है ये 15 किलोमीटर लंबी है, तो दो तारें 30 किलोमीटर लंबी तारें हैं। एक तार की जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 है ओम पर किलोमीटर, तो एक किलोमीटर की रेजिस्टेंस 0.5 है, तो 30 किलोमीटर की 30 × 0.5 है, तो 15 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से मल्टीप्लाई करके। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम लाइन्स, डायरेक्ट टाउन जो है उसको पावर चाहिए, पावर मिलती है एक ट्रांसफॉर्मर से, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। टाउन पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, 4000 × 230 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर 4000 इस ट्रांसफॉर्मर की इनपुट है और 230 आउटपुट है, तो 230 आउटपुट ये देता है। घरों तक पहुँचते पहुँचते पोटेंशियल ड्रॉप हो गए, 220 लोगों को मिल जाती है। तो ट्रांसफार्मर लगा रखे गांव में, यहाँ पे टाउन में 4000 से 230 वोल्ट का, ठीक है, ये भी गिवन है। तो 4000 इस वोल्ट इसकी इनपुट है, प्राइमरी वोल्टेज है, 230 इसकी आउटपुट वोल्टेज है, ये भी क्लियर है। आगे आपको क्या निकालना है? एस्टीमेट लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। लाइन का मतलब ये जो लाइन्स हैं इसे पावर लॉस कितना है। तो अगर इसकी आप मुझे रेजिस्टेंस बता दें, इसमें आप मुझे करंट बता दें, तो मैं I square R से पावर लॉस निकाल दूंगा इन द फॉर्म ऑफ हीट।
तो एक काम करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस तो मैं निकाल ही चुका हूँ, 30 किलोमीटर लंबी वायर्स हैं और 0.5 किलो ओम है पर किलोमीटर, तो 15 ओम की रेजिस्टेंस है टोटल। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें जो है करंट निकालना है। अब करंट निकालने के लिए यहाँ पे पहले हम करंट निकालेंगे, आई स्क्वायर आर से आंसर आएगा, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट एक और है, हाउ मच पावर मस्ट दी प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देयर इज अ नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। कह रहा है ये पावर जनरेट कितने पे करे ये भी बताओ, क्योंकि कुछ पावर लॉस रास्ते में हो जाएगा तो जाके इसको 800 किलोवाट मिलेगा। तो रास्ते का पावर लॉस भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और लास्ट है, करेक्टराइज दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट दी प्लांट। अब क्योंकि प्लांट जो है 440 वोल्ट पे वोल्टेज बना रहे हैं और इसको मिल रही है 4000 वोल्ट, तो कहीं ना कहीं एक और ट्रांसफार्मर डैम पे लगा होगा, पावर प्लांट पे लगा होगा, स्टेप अप लगा होगा, जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता होगा। तो बताओ इसकी रीडिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें बतानी है, एक एक करके करते हैं। पहले इसमें करंट निकालते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर मेंशन नहीं है कि कितना एफिशिएंट है, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है। तो अगर ये ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तो इनपुट पावर, जो इनपुट पावर है ठीक, और जो आउटपुट पावर है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। अब आउटपुट पावर तो मुझे पता है 800 किलोवाट है, तो इनपुट पावर भी कितनी है, 800 किलोवाट है, ये लो ठीक है। तो इनपुट पावर आ गई, इनपुट वोल्टेज कितनी है, 4000 वोल्ट है, तो इनपुट करंट तो आ ही जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो एक काम करो, यहां से जो 800 इंटू 10 की पावर 3 वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज 4000 है, इनपुट करंट आया आ गया, तो वायर में करंट कितना आ गया, 200। पहला स्टेप क्लियर है, तो 200 एम्पियर का करंट आ गया। तो 200 एम्पियर को 2 I² R × 15 टोटल रेजिस्टेंस अपने वायर्स की पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, इतनी पावर का लॉस हीट की फॉर्म में आएगा, जो वायर्स हैं 600 किलोवाट खराब करने वाली हैं। टाउन को कितना चाहिए, 800, तो डैम वालों को कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 800 + 600 1400। तो एक क्वेश्चन था ना कि कितनी पावर देनी चाहिए पावर प्लांट को, 1400, 600 खराब हो जाएगी पावर लॉस, 800 टाउन को मिल जाएगी, एक आंसर। दूसरा ओम्स लॉ, ओम लॉ से रास्ते में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, I × R 200 × 15 3000 वोल्ट, 3000 वोल्ट खराब होने वाले हैं वायर्स में। और इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में कितना जाना चाहिए, 7000 वोल्ट, तो इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट में कितना जाना चाहिए, 7000 वोल्ट, क्योंकि 7000 में से 3000 तो खराब है, ओम लॉ पोटेंशियल ड्रॉप है, 4000 इसे मिलेगा, तो आउटपुट इसकी 7000 है और इनपुट क्वेश्चन में गिवन है 440, तो ये ट्रांसफार्मर क्या होगा, 440 × 7000 वोल्ट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि सारे आंसर कैसे मिलेंगे इस क्वेश्चन में।